अजित पवार पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने अजित पवार को माफ किया है। मलिक अजित पवार ने अपनी गलती मांग ली है और पार्टी में अजित पवार की भूमिका पहले जैसी ही है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि अजित पवार ने अपनी गलती मांग ली है, ऐसा मलिक का कहना है। पार्टी में अजित पवार की भूमिका जैसी पहले थी वैसी ही लगातार बनी हुई रहेगी। और इसके पहले भी अजित पवार ने साफ कहा था कि मैं एनसीपी में था, एनसीपी में हूं और एनसीपी में ही रहूंगा। और उसके बाद एक बड़ा बयान मलिक ने दिया है कि अजित पवार ने अपनी गलती मांग ली है और पार्टी में जो अजित पवार की भूमिका पहले थी वैसी अभी भी लगातार बनी रहेगी, कोई बदलाव नहीं हुआ है। शरद पवार ने अजित पवार को माफ कर दिया है, यानी कि अजित पवार ने शरद पवार से माफी मांगी है और अजित पवार को शरद पवार ने माफ कर दिया है, ये बयान दिया है मलिक ने। देखिए, ये सच्चाई है कि वे नाराज होकर उन्होंने कदम उठाया था, मान मनोवल की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं बुजुर्ग हमारे जो थे पार्टी के लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की और अंत में उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। गलती स्वीकारने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, और गलती माफ़ करने वाला उससे बड़ा हो जाता है। तो हमें लगता है कि परिवार का मामला था, गलती स्वीकार ली, पवार साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया है, पार्टी में वे हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक काम करने का तरीका है, एक कहीं ना कहीं पार्टी को उनसे बल मिलता है, तो निश्चित रूप से पार्टी में वो हैं जैसे पहले थे। गलती हो गई है लेकिन उनका स्थान कम होगा, ऐसी कोई बात नहीं।